डैडी इज द बेस्ट। तो जो बेस्ट था हमने उसके साथ क्या किया, माथे पर सुपर हीरो वाला टैग चिपका दिया। और सुपर हीरो तो कुछ भी कर सकता है, उससे थोड़ी पूछते हैं कि आज मुश्किलों के कितने पर्वत पार किए, हमारी एक शर्ट सिलवाने में अपने कितने कुर्ते तार तार किए। क्या बात है। उससे थोड़ी पूछते हैं कि हमारी जिदें पूरी करने के लिए कितने दिन ओवर टाइम करते हुए गुजार दिए, हमारे बचपन की एक मुस्कुराहट जीतने में अपनी जवानी के कितने बरस हार दिए। क्या बात है। और वो बुखार वाली रातें, हमारी फिक्र में सिर्फ माँ थोड़ी जागती थी, कच्ची नींद में सोते तो पापा भी थे, किसी को नजर नहीं आया पर रोते तो पापा भी थे। तो आज हम एक काम करेंगे, जिन आंखों को कभी गौर से देखा नहीं उन्हीं आंखों की इबारत पढ़ेंगे, जो धुन कभी गाई ही नहीं आज उसी धुन पर झूमेंगे, आज हम रोटियां कमाने वाले हाथ चूमेंगे। यार पापा बड़े बेदर्द थे आप, बचपन में चलते चलते मैं गिर जाता तो माँ गोद में उठा लेती और आप गोद से खींचकर वापस जमीन पर उतार देते, कहते मजबूत बनो। स्कूल का पहला दिन, पहली बार मैं अजनबी लोगों के बीच अकेला था, इतना रोया कि 4 दिनों तक आंखें लाल रही। चुप कराने की जगह आप वही रटते रहे, रोना बंद करो मजबूत बनो। जब पार्क में झूले से गिर पड़ा था, मेरी चोट की तरफ आपने एक नजर देखा भी नहीं, वही पुराना टेप चला दिया मजबूत बनो। बहुत सुन लिया मैंने, मजबूत बनो मजबूत बनो मजबूत बनो, अभी आप मेरी सुनो। इस दुनिया में तब तक रहना जब तक मैं जाने के लिए ना कहूं। क्या बात है। वाह। तब तक आंखें खोले रखना जब तक मैं सामने देखता रहूं। यार पापा कैसे समझाऊं, मैं इतना मजबूत कभी नहीं बन पाया कि तुम्हारे बगैर जी पाऊं। मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का, हम सफर तुम हो डैडी, तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, मैं मासूम मैं शैतान, बट यू लव मी डैडी।
सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का, हम सफर तुम हो डाड़ी। जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम, तू मेरा दिल तू मेरी जान, मतलब है रियली एपिक, प्लीज ये एडलिब लो। यस सर। वाह, जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, माइंड ब्लोइंग मैन, कौन है फिर मेरी मंजिल का, उफ, हम सफर तुम हो डैडी, तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ हो हो, आई लव यू डैडी, मैं मासूम मैं शैतान, बट यू लव मी Daddy. Nihal, I love you, yaar. Thank you so much. I love you, man. What a voice, yaar. Kya awaaz hai, yaar. Oof. Daddy's here. Waqai. Nihal, we all love you. Oh, my God. Oof. तूने
पूछना चाहूँगी. बचपन से ही ना जब भी स्कूल में जाते थे तो सबके पापा बड़े बड़े कार्स लेके आते थे, सबको घुमाने लेके जाते थे. तो मेरे पापा कभी नहीं आए मतलब, और मेरे पापा एम्बुलेंस चलाते थे, तो मेरे को ऐसा थोड़ा सा ये लगता था. तो मैं उनको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने उनको बहुत गलत समझा है शुरू से. तो वो अच्छे हैं. चाहे मेरा तू ही छू लेना, मेरे सारे सपने तेरे तू ही जी लेना. रात है गहरी बड़ी पर जाएगी ये जाएगी. रात है गहरी बड़ी पर जाएगी हाँ जाएगी. I love you, Papa. I love you too. आज फादर स्पेशल मना रहे हैं. सबके पापा यहाँ पर आए हैं और हम सब जानते हैं कि कुछ ही महीनों पहले आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया था. आई एम श्योर आप आज पापा को मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा. कुछ कहना चाहेंगे आप अपने पापा से? क्या कहूं अब मैं? आई एम श्योर कि आपके पापा अभी इंडियन आइडल देख रहे हैं, ये एपिसोड देख रहे हैं, तो कैमरा में देखिए और जो आपके दिल में है उनको बोल दीजिए. I'm sorry बाबा, मैंने उत्तर दिया जो तो एक्सीडेंट डाला. एंड आई लव यू अ लॉट. इंडियन आइडल की पूरी टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार. क्या बात है. मैं अपनी बेटी सोनू के लिए यही कहना चाहता हूँ कि सोनू ने बचपन से बहुत मेहनत की है. और म्यूजिक क्षेत्र में टोनी और नेहा को लाने वाली मेरी बेटी सोनू ही है. इसकी मेहनत माता रानी ऐसे ही ये मेहनत करती रहे और आगे बढ़ती रहे. और इसको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है. खूब मेहनत करो बेटा, खूब तरक्की करो, यही मेरा आशीर्वाद है. जय माता. God bless you, Sona. What a lovely father. What a great person. मेरे पापा की जो मेहनत रही है मुझे आगे लाने में, मैं शायद शब्दों में बयां ही कभी नहीं कर सकती. ऋषिकेश बहुत ज्यादा छोटा शहर है, सब जानते हैं. वहां पर कोई स्कोप नहीं है आगे आने का और कोई प्लेटफॉर्म्स भी नहीं होते थे जब मैंने गाना शुरू किया था. एक सपना होता है ना हर इंसान का कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है. जी. मुझे सिंगर ही बनना था. वाओ. तो मैंने बोला दिल्ली चलते हैं. वहां से मुझे बहुत ज्यादा जागरण के एक्चुअली कॉल्स आते थे. एक दिन ट्रक में सामान भी लोड हो गया सारा का सारा और हम लोग ऋषिकेश से दिल्ली शिफ्ट हो रहे थे. और पापा का अचानक से मन बदल गया क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि एक शहर को, एक बेस को छोड़ के हम कहीं जा रहे हैं, वो भी एक छोटे से बच्चे की बात पे. कौन मानेगा उसका विश्वास कि आगे क्या हो, फ्यूचर कैसे, घर छोड़ के जाए, सबको लेके जाए, चार चार बच्चे. इसलिए आज मैं जब भी कोई भी, कितने भी सिंगर्स आते हैं, उनके पापा मम्मी जब साथ में होते हैं, मुझे हमेशा अपने पापा मम्मी की याद आती है. मेरे पापा हर जगह मुझे लेके गए, हर जगह मेरा साथ दिया. सोनू, मैं इतना बताना चाहता हूँ, तुम आज इस मंच पर आके बैठी हो, ये तुम्हारी मेहनत है, माता रानी का आशीर्वाद है और तुम्हारी हिम्मत है. गॉड ब्लेस यू सोनू विद ऑल माई हार्ट. गॉड ब्लेस. थैंक यू सर. Ah.
मुझे तरस जाएंगी, जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था तुझसे ना। बहुत अच्छे यार पवन जी। एचआर कैसा लगा सर? अवनु तुम एक्चुअली ना जब गाते हो तो ऑलवेज ये लगता है कि गाना खत्म क्यों हुआ। तुम्हारी आवाज ऐसे कानों को हील करती है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी।
सो जाऊंगी। क्या बात है अरुणिता, ब्यूटीफुल। अरुणिता आप जितनी खूबसूरत हैं उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आपकी आवाज़ है। हम सब जानते हैं कि लता जी और आशा जी दो देवियां हैं इस धरती की, जिन्हें हम सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और उनका कोई भी सॉन्ग अगर उठाकर कोई भी सिंगर गाता है तो पहले ही कांप रहा होता है, यू नो नर्वसनेस होती है, जो आपने तो दूर दूर तक नहीं दिखाई। अरुणिता कोई नर्वसनेस नहीं थी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। शेयर करना चाहूंगा अनु जी। जी हमने जो यहाँ रामनवमी का एपिसोड किया था, जिसमें सब आप सब ने इतना अच्छा गाया था, उसके कुछ दिन बाद तकरीबन 15 डेज बाद मुझे लता जी का फोन आया था। और मुझे एक बात तो ये बताते हुए बड़ा फख्र हो रहा है कि वो इंडियन आइडल देखती है, और उन्होंने लगभग सबकी तारीफ की थी उन्होंने, तो आप सबके लिए जो साक्षात माँ सरस्वती हैं उनका आशीर्वाद आप सबके ऊपर है। आप अपने पापा को बहुत मिस कर रहे हैं ना, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपकी आपके पापा से बात करा दी जाए, और हमारे सामने हो तो और भी मजा आएगा फादर स्पेशल का। तो टीम इंडियन आइडल प्लीज दानिश के पापा को फोन लगा दिया जाए। हेलो शाहनवाज जी। हेलो सर, नमस्ते, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। एकदम फर्स्ट क्लास, आप बताइए सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ बस। आपके जो साहबजादे हैं दानिश, वो आज आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, प्लीज आप दानिश से बात कर लीजिए सर। हेलो। हाँ दानिश। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। वालेकुम सलाम बेटा, क्यों मुश्किल हो रहे हो भाई? पापा आपके याद आ रही है मुझे। नहीं नहीं रोना नहीं, रोना नहीं बिल्कुल भी, रो क्यों रहे हो मेरे भाई? सब कुछ छोड़ के चलाऊंगा, रो मत बिल्कुल भी, रो मत। हेलो जी पापा। सुन पा रहे हो? हाँ अभी तो बहुत आगे जाना है तुम्हें, मेरे बगैर तो बहुत काम करना है अभी। बिल्कुल मत रो, बिल्कुल मत रो, मुझसे बात नहीं हो रही भाई। I love you papa। तू मेरी जान है, love you यार। इंडियन आइडल में आपका ध्यान रखते हैं, मामा जी तुम्हारा इतना ध्यान रख रहे हैं, आदित्य भाई तुम्हारा इतना ध्यान रख रहे हैं, फिर भी रो रहे हो, वहां पे इतने सारे लोग हैं। बिल्कुल मत रो, आप जल्द मिलेंगे अपने पापा से, तो प्लीज हिम्मत रखो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके थैंक यू सर, और ओके सी यू सून, टेक केयर। ओके बेटा। Bye, पहले तो मुझे, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत महीनों के बाद पापा को देख रही हूँ मैं, और आई थिंक मेरे से ज़्यादा मम्मा खुश है, क्योंकि मम्मा हमेशा मेरे साथ रहती है, तो पापा के साथ थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब पूरा घर का काम पूरा करते हैं, अकेले हैं, और आई एम सो थैंकफुल। हाँ मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शर्मिका के साथ हर बार, आपको पता है ना, हर बार मैं उसके पहले मैं रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए। फिर पापा टेंशन्स होता है, अकेले रहते हैं घर में, फिर टेंशन्स होता है, सब कुछ प्रॉब्लम्स भी होता है, हमको कभी नहीं, अभी तक नहीं बोलते,
वो अकेले रहते हैं, अकेले सब कुछ काम कर रहे हैं, फिर हम दोनों ये इंडियन आइडल में अच्छा करना है, ये टेंशन नहीं लेना है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। सब लोग बोलते हैं मैन के पीछे एक नारी शक्ति होता है, ऐसा बोलते हैं ना, फिर मैं प्राउडली मैं ये बोलती हूँ कि हम दोनों का पीछे एक मैन है। आज मेरे पापा मम्मी दोनों आए हुए यहाँ पे, तो मेरी सारी दुनिया की दौलत वही है मेरे लिए। और आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ मैं, क्योंकि बचपन में पापा के साथ जा के कठपुतली का तमाशा दिखा दिखा के घर का गुजारा भी चलता था, और मुझे उससे म्यूज़िक की भी एक आस लगी, एक उम्मीद हुई मेरे अंदर, तो मेरे पापा पूरा टारगेट मेरे पापा को जाता है वो। मैं पापा को बस यही बोलना चाहता हूँ कि मैं जब तक हूँ इस दुनिया में भगवान के आशीर्वाद से, और जब तक आपका नाम रोशन ही करता रहूंगा मैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।